कुछ सालों पहले मैं भी इंस्टाग्राम पर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसी टट्टी अपलोड किया करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे रियलाइज हुआ भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ और अब मैं कुछ ऐसी फोटोज डालता हूँ। अरे ऐसी नहीं भाई, ऐसी। अब आपको लग रहा होगा भाई ये कुछ ज़्यादा और अलग नेक्स्ट लेवल पे है और हम इस तरह से अपनी फ़ोटोज़ को नहीं बना पाएंगे। ना ना भाई, कौन बोला? ऐसी फ़ोटोज़ बनाने के लिए भाई आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आप लोग अपनी फ़ोटोज़ को वन टैप में एडिट कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो भाई ये कैसे? देखो भाई, वो एक प्रीसेट नाम की भी चीज़ होती है, उसको जस्ट आप लोग इंस्टॉल करोगे अपने फ़ोन के अंदर, लाइटरूम में इंपोर्ट करोगे और आप जस्ट वन टैप अपनी फ़ोटोज़ को एडिट कर सकोगे। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दिया हूँ 80 प्लस लाइटरूम के XAMPP प्रीसेट, जो कि आप लोग पेज तक इंस्टॉल कर सकते हो और अपने फोटोज़ पे नेक्स्ट लेवल इफेक्ट डाल सकते हो। और इस पैक को इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है पासवर्ड लगेंगे, बिकॉज आप लोग के पास पे पासवर्ड नहीं होगा तो आप लोग जो है जिप फाइल को अनलॉक नहीं कर पाओगे, और वो पासवर्ड वीडियो में 3 भाग में दिखाए गए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच करना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ठोके, चैनल पर नए पहली बार देख रहे, पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो द बेस्ट, टेक एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाइटरूम आपको ओपन करना है आपको, और मैंने भी ओपन करके रखा है, और यहाँ पर ऑल फोटोज़ पे क्लिक करना है। ओके, अगर आपको नहीं पता कि भाई लाइटरूम क्या है, क्या होता है इसके मदद से, तो देखो बेसिकली आपको प्ले स्टोर से लाइटरूम आपको सर्च करना है प्ले स्टोर पर, और वहाँ से इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको जो भी फोटो एडिट करनी है यहाँ पर से आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग गैलरी से डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी फ़ोटोज़ जो है यहाँ पर शो करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं ये सब फोटो लिया हूँ क्योंकि ग्रीनिश फोटो है। अब ग्रीनिश फोटो के ऊपर प्रीसेट का जो कलर है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, अदरवाइज़ दूसरी फोटो पर अगर मैं ट्राई करूँगा तो उसमें इतना खास कलर दिखेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर मैं प्रीसेट के आइकन पर क्लिक कर दूँगा। ये प्रीसेट का आइकन है यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, ये जो आइकन है यहाँ पर, ये क्रॉप के नीचे वाला, ठीक है, क्रॉप के नीचे वाला ये जो आइकन है ये प्रीसेट का आइकन है, और यहाँ पर आपको योज को ऊपर देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, कलर्स है, ठीक है, ये सब लाइटरूम के नॉर्मल प्रीसेट्स है, कुछ इसमें खास है नहीं। अब यहाँ पर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, देन इंपोर्ट प्रीसेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने एक प्रीसेट का फोल्डर बना के रखा था, उसके ऊपर मैंने प्रीसेट जो है सारा एक्सेल करके रखा था। यहाँ पर देख सकते बेस्ट 80 प्लस। ओके, यही आज की पैक में मैं आपको दिया हूँ। ओके, और आपको इसको अगर इंस्टॉल करना है तो वीडियो के अंदर जो है 3 भाग में पासवर्ड बताए गए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच करना। यहाँ पर मैं थ्रोड पे क्लिक करूँगा, सेलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे मैं सेलेक्ट पर प्रेस कर दूँगा। आप सेलेक्ट पर प्रेस करने के बाद यहाँ पर जितना प्रीसेट यहाँ पर आ जाएगा, जस्ट कुछ सेकंड हमको वेट करना है, और यहाँ पर देख सकते हैं बेस्ट 80 प्लस प्रीसेट बाय अल्फा सेटिंग। ओके, यहाँ पर 83 प्लस प्रीसेट आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, और यहाँ पर जस्ट वन टैप में मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पर फिलहाल मैं इसको ऊपर थोड़ा सा करेक्शन भी आप लोग यहाँ पर कोई बताऊँगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। ओवरऑल फोटो हमारी बेस्ट लग रही है। अब आपको फोटो के ऊपर क्या ख़राब दिख रहा है मुझे बताओ। फोटो एकदम बेस्ट लग रही है, सब कुछ एकदम क्लियर मस्त दिख रहा है ना, बट एक चीज़ यहाँ पर ख़राब लगी मुझे, इसकी जो यहाँ पर दांत है ना, इसके ऊपर भी कलर आ गया, देख सकते हैं। अब इसको हटाना है आपको तो भाई सिंपल क्या करना है भाई, जाना है आपको सिलेक्शन वाला ऑप्शन पर, वहाँ पर से वाइटनेस को हल्का सा बड़ा कर लेना है सिलेक्शन करके। ओके, अब यहाँ पर बाकी सब प्रीसेट का भी इफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप लोग ये मत सोचना कि भाई मेरे बॉडी के इस वाले हिस्से में क्यों कलर आ रहा है वो। तो देखो भाई, थोड़ा सा अगर उसके साथ में, अगर बैकग्राउंड के कलर के साथ में अगर आपका जो है स्किन का टोन या फिर कुछ भी, अगर आपके कपड़े का टोन अगर मैच करता है, तो भाई बैकग्राउंड के साथ साथ में आपका जो है कपड़ा भी सेम कलर का हो जाएगा, तो ये फंडा है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अलग अलग तरह के टोन्स इस बैग के अंदर मैंने आपको दिया हूँ, ये मुझे काफ़ी स्पेशल लगा था इस फोटो के हिसाब से। ओके, अब बाकी और भी टोन्स इस पैक के अंदर, जस्ट आप लोग वन टैप में एडिट कर सकते अपनी फ़ोटोज़ को और भाई नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते अपनी फ़ोटो एडिटिंग को। ओके, अब इसको ऊपर तो भाई आप लोगों को समझ आ गया, बस इसको ऊपर ट्राई करते। अब आपको लग रहा होगा ये ऑलरेडी एडिटेड फोटो है, बट फिर भी ट्राई करते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा सिनेमेटिक वाइब आ रहा है ये प्रीसेट अप्लाई करने के बाद। अब कुछ और फोटो पर ट्राई करते हैं। अब ये फोटो देख सकते हैं, बहुत से लोगों के पास है ना ऐसी फोटो होती है जिसमें कि ये फोटो पूरा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब भाई देखो यार, मतलब यार कुछ समझ में नहीं आता कि भाई फोटो के ऊपर क्या अप्लाई करें। अब इस फोटो के हिसाब से थोड़ा सा सिनेमा टाइप का जाएगा इसमें लुक, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर लाइक ये इफेक्ट देख सकते हैं। ओके, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इसके ऊपर, और थोड़ा सा सिनेमेटिक सा इसके ऊपर अपन व्यू इफेक्ट डालेंगे तो चलेगा। लाइक ये देख सकते हैं, ये भी काफ़ी मस्त लग रहा है, बेस्ट लग रहा है फोटो के हिसाब से। ओके, अब बाकी जो यहाँ पर इफेक्ट है यहाँ पर ये सब देख सकते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है इस फोटो के ऊपर, लेकिन वो बेटर लग रहा था पहले वाला। ओके, अब नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद में हम लोग को यहाँ पर और भी देखने को मिलेगा प्रीसेट जो इस फोटो पे सूट करेगा। ये देख सकते एकदम बेस्ट लग रहा है, एकदम फेड मूडी टाइप का, तो आप लोग जस्ट
अपने फ़ोटो के हिसाब से जो है कलर ग्रेडिंग करना। ओके, अब ये भी इस फोटो के ऊपर जो है बेस्ट लग रहा है, बट यहाँ पर पीछे देख सकते हैं इसके, ठीक है, कितना मतलब यार फ़ोटो की क्वालिटी वैसी लूज है, तो इस वजह से उसको ऊपर इतना समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर इतना करने के बाद भाई आपने इतना समझ ही लिया, बट एक आखिरी फ़ोटो पर ट्राई करके बता देता हूँ मैं आपको। ये फ़ोटो एकदम खास के इसके ऊपर भाई सब प्रेशर अप्लाई हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी यार काफ़ी मस्त तरीके से इस प्रीसेट अप्लाई हो रहा है इस फोटो के ऊपर, क्योंकि इस फोटो के ऊपर हर कुछ ग्रीन है और भाई पूरा मस्त बैकग्राउंड वगैरह पानी वगैरह ब्लू भी हमको देखने को मिल रहा है नीचे, तो यार दोनों कलर कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं काफ़ी बेस्ट तरीके से इफेक्ट आ रहा है इस फोटो के ऊपर, और जस्ट आप लोग जो है वन टैप में अपनी फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हो। एकदम लास्ट में जाते हैं अभी फिलहाल, लास्ट में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग ब्लू टोन्स भी है भाई इसके अंदर। ओके, अब यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं मैंने कई काफ़ी मेहनत करके बनाई है प्रीसेट को, और काफ़ी लेट डाल रहा हूँ मैं वीडियो, मुझे पता है, लेकिन यार प्रीसेट बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो यार इसके लिए एक वीडियो को लाइक करें, और हाँ अगर आपको पासवर्ड नहीं मिला तो यार प्लीज़ यार नाराज़ मत होना मेरे से, आप लोग कमेंट में जाकर बोल देना भाई कि पासवर्ड नहीं मिला, अगर जिन लोगों को पासवर्ड मिला तो यार प्लीज़ कमेंट में जाकर यार पासवर्ड वगैरह टाइप मत करना वहाँ पे, क्योंकि दिक्कत देती है। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।